इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के सामने आते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आमने सामने हो गई हैं। भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, वहीं मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने भी गए थे। यूपी में जो समाजवादी पार्टी ने किया, क्या वही महाराष्ट्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि 5 सीट नहीं मिली तो पूरे 25 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या इंडी गठबंधन में पहली दरार की शुरुआत हो चुकी है? कांग्रेस की सी लिस्ट आई है और इस लिस्ट ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने कर दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया गया है। ये वो दोनों सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी पहले ही कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है और अखिलेश यादव इनके लिए प्रचार भी कर चुके हैं।